हेलो फ्रेंड्स, आज की मूवी का नाम है नोबडी, जो कि 2021 में आई हुई सबसे ब्रूटल और एक्शन मूवी है। मूवी का लीड करेक्टर है हच मैंसल, जो कि एक आम आदमी की तरह अपनी डेली रूटीन लाइफ जी रहा होता है। उसके दो बच्चे और उसकी वाइफ बैका भी है। वो अपने फादर इन लॉ के वर्कशॉप में काम भी करता है। दोस्तों, उसकी लाइफ बड़ी सिंपल सी नजर आ रही होती है, लेकिन एक रात दो लोग उसके घर के अंदर चोरी करने के लिए घुस आते हैं। हज जान चुका था कि उसके घर के अंदर कोई घुस गया है, तभी उसका बेटा भी उसके पीछे पीछे आता और एक चोर के ऊपर हमला कर देता है। हज पीछे से देख ही रहा होता है, वहां पे वो उस चोर को मार भी सकता था, लेकिन पता नहीं वो रुक जाता है और उन लोगों को जाने के लिए बोलता है, और वो जो जो मांग रहे थे वो सब चीजें दे देता है। उनके जाने के बाद ये लोग पुलिस में कंप्लेन करते हैं, और इस इंसिडेंट की वजह से हज को काफी साधारण और डरपोक आदमी समझा जा रहा था। उसके पड़ोसी भी उसका मजाक उड़ा रहे थे। अगली रात को उसकी बेटी अपनी बिल्ली को ढूंढ रही होती है, लेकिन वो कहीं नहीं मिल रही थी। बेटी बोलती है शायद वो चोर उस बिल्ली को लेके चले गए। हज का मन नहीं लग रहा था, हज को सब लोग डरपोक समझ रहे थे। उसकी वाइफ का भाई भी उसे एक गन देता है, बोलता है कि ये मेरी बहन की सेफ्टी के लिए है। वो वापस घर आता है और अपने मुंह भूले भाई को एक सीक्रेट रेडियो में बात करता है और सारा इंसिडेंट बताता है, और ये भी बोलता है कि उनमें से एक चोर जो गन लिए हुए था वो खाली थी। दोस्तों, यहाँ पे हमें पता चल चुका था कि हज ने देख लिया था कि उसकी गन खाली है, फिर भी उस चोर को उसने मारा नहीं था। हज ने यहाँ ये भी ध्यान दिया था कि उस चोर के हाथ में एक टैटू बना हुआ था। हज इन सब बातों को सोचते हुए घर से निकलता है और अपने फादर के पास पहुँचता है। उसके फादर एक अलग जगह पर रह रहे होते हैं, वो काफी बूढ़े भी दिख रहे होते हैं। वो अपने फादर के पास से FBI का पुराना बैच लेता है और सारे टैटू स्टूडियो में जाके पता करता है। एक बार कुछ लोग ने जान लिया था कि ये FBI का बैच पुराना है, और वहाँ के सारे लोगों ने हज को घेर लिया होता है, लेकिन उनमें से जो उनका बॉस होता है वो हज के हाथ में बने हुए टैटू को देख लेता है, और जैसे ही वो टैटू देखता है वो वहाँ से निकल के अपने आप को एक कमरे में बहुत सारे तालों के अंदर बंद कर लेता है। यानी कि वो डर चुका था कि ये बहुत डेंजर आदमी है। उसके लोग जान चुके थे कि इसके साथ अभी शांति से पेश होना है, और वो उस टैटू बनाने वाले का एड्रेस दे देता है। हज उसी एड्रेस पे पहुँचता है और जाके उन लोगों को धमकी देता है, जो जो चीजें उन्होंने चुराई थी वो सब वापस ले लेता है। तभी उसे एक बच्ची की आवाज सुनाई देती है। वो दूसरे कमरे में जाके देखता है तो वहाँ एक छोटी सी बच्ची थी और वो बीमार थी। हज तुरंत वहाँ से बाहर आता है और अपने आप में बहुत शेम फील करने लगता है। जैसे तैसे वो वापस घर की तरफ बढ़ ही रहा होता है, एक बस मिलती है और उसमें वो बैठ जाता है। बस में ज्यादा लोग नहीं थे। तभी हम देखते हैं बस जैसे ही स्टार्ट होती है, कुछ लोग वहाँ पे आते हैं जो कि गुंडे लग रहे होते हैं। वो सब के सब बस के अंदर आते हैं और जो भी बैठे हुए लोग थे उनको परेशान करना चालू करते हैं। एक एक करके सारे लोग वहाँ से उतर चुके थे। हज और एक लड़की केवल आखिरी में बचे थे। उन गुंडों ने लड़की को चारों तरफ से घेर लिया था और हज को अपना गुस्सा निकालने के लिए कोई ना कोई मिल गया था। वो उठता है और ड्राइवर की तरफ बढ़ता है और ड्राइवर को भी बस से बाहर निकाल देता है और गेट अंदर से लॉक कर लेता है। हज ने अपनी सारी फ्रस्ट्रेशन उन लोगों के पे निकाली और उन लोगों को बहुत बेदर्दी से पीटा। यहाँ पे हज की फाइट बहुत नॉर्मल थी, लेकिन इसमें जो नाइफ के सीन थे सच में बहुत बेहतरीन थे। हज उस लड़की को बाहर निकालता है और वहाँ से अपने घर की ओर निकल पड़ता है। हज ने ये सारी बातें अपने भाई को भी बताई होती है, और उसके भाई ने बाबर नाम के आदमी को विक्टिम का पता लगाने के लिए भेजा था। उसे यहाँ पता चलता है कि उसमें से एक लड़का जो कि रशियन गैंगस्टर यूलियन का भाई है। हमें यहाँ भी ये दिखाया जा रहा था यूलियन एक बहुत बड़ा गैंगस्टर है। अपने भाई की कंडीशन देख के वो बहुत गुस्से में है। यहाँ वो हज के बारे में भी पता करता है, लेकिन उसे कुछ नहीं मिलता है। उसको केवल नोबडी के नाम से ही जाना जाता है पुरानी क्राइम की फाइलों में। उसका एड्रेस मिलने के बाद यूलियन ने अपने कुछ आदमी हज के घर पे भेजता है। हज देख लेता है कि उसके घर के पास कुछ गाड़ियां आ रही हैं। वो अपनी वाइफ से बोलता है डोंट कॉल पुलिस, और सब लोगों को एक बेसमेंट में बंद कर देता है। हज यहाँ एक एक करके सब लोगों को मारता है, और ये फाइट बहुत रियलिस्टिक थी। ये फाइट का मजा लेने के लिए दोस्तों आप मूवी जरूर देखिए। लेकिन ज्यादा लोगों होने की वजह से उसको वहाँ पे बेहोश कर दिया जाता है। बेहोश करके उसको कार की डिक्की में डाल देते हैं। वो लोग अपने मंजिल पे पहुंच भी नहीं पाए थे कि हज को होश आ जाता है। हज देखता है कि उसके हाथ में हथकड़ी है। वो अपने अंगूठे की हड्डी को तोड़ता है और उस हथकड़ी को बाहर निकाल लेता है। उसके बाद वो देखता है कि वहाँ पे एक आग बुझाने वाला सिलेंडर होता है। वो सिलेंडर निकाल के वो कार के अंदर वो गैस उसकी चालू कर देता है, जिससे उसकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है। हज को छोड़ के सारे लोग मर चुके होते हैं। वो वापस घर आता है और अपने आप को अच्छे से साफ करता है, सारे खून के निशान मिटाता है, और अपनी फैमिली को बेसमेंट से बाहर निकालता है और उनको एक सेफ जगह पे भेज देता है। यहाँ वो अब जितने भी शूटर थे सब लोगों को घर के साथ आग लगा देता है, और ये बताते बोलता है कि ये घर ऐसी तरह से बनाया हुआ है कि इसमें उतनी आग हो जाएगी जो तुम्हारी हड्डियों को गलाने के लिए काफी है। वो सबको जलाता है और घर से बाहर निकलता है। यहाँ पे वो अपनी पड़ोसी की गाड़ी भी लेके जाता है।
जो पड़ोसी उसको डरपोक बोल रहा था। उस घर के साथ अब सारे सबूत भी मिट चुके थे कि यहाँ पे किसी लोगों का हमला हुआ था। और इसी बीच में हमें सब कुछ बताया जाता है कि ये हच कौन है। हच एक सीक्रेट एजेंट है जो किलिंग का काम करता है किसी एजेंसी के लिए। जब भी उसकी जरूरत होती तब उसे काम पे लगा दिया जाता है। एक बार उसने किसी को मारते मारते छोड़ दिया था और थोड़े सालों के बाद वो आदमी अपनी फैमिली के साथ दिखा था और वो बहुत खुश लग रहा था। ये देख के हच ने रिटायरमेंट का फैसला लिया और फैमिली के साथ रहना चालू कर दिया। लेकिन उसके बॉस जानते थे कि उसको ये फैमिली लाइफ रास नहीं आएगी। और दोस्तों वैसा ही हुआ। मूवी में आज की सिचुएशन दिखाते हैं कि उसने अपने कमाए हुए सारे गोल्ड बार से अपने फादर इन लॉ की वर्कशॉप को भी खरीद लिया था। उसका सिक्स सेंस कुछ बोल रहा था। उसने सारी वर्कशॉप को एक ट्रैप की तरह बना दिया था। हर जगह गन बॉम्ब लगा के रखे हुए थे। और ये सब करने के बाद वो वहां से निकल जाता है और यूलियन की कंपनी में पहुंचता है जहां उसने बहुत सारा पैसा कमा के रखा हुआ था। उसने सारे पैसों को आग लगा देता है। हच बहुत डेयरिंग है। वो ये सब करने के बाद यूलियन के क्लब में पहुंचता है और बड़े स्टाइल से उससे बात करता है। यूलियन उसे पहचान जाता है और उसके आदमी चारों तरफ होते हैं और उसे घेर लेते हैं। लेकिन जैसे ही यूलियन उसको धमकी दे रहा होता है वो दिखाता है कि उसके हाथ में एक बॉम्ब है और वो हिलाते ही सब के सब मर सकते हैं। वो यहाँ पे यूलियन को समझाता है कि जो भी हुआ उसे भूल जाओ और वो भी ये सब भूल जाएगा। लेकिन यूलियन को समझ में नहीं आता है। जैसे ही वो वहां से बाहर निकलता है सारे के सारे लोग गाड़ी लेके उसके पीछे आ जाते हैं। जैसे ही वो अपने घर पे पहुंचता है तो उसके ऊपर गन फायरिंग होने लगती है और उसके एक गोली भी लग चुकी होती है। लेकिन तभी उसका फादर डेविड और उसका ब्रदर हैरी वहाँ पे फायरिंग करना चालू कर देते हैं और हच घर के अंदर आ जाता है। यहाँ हच को तो पहले से पता था कि ऐसा कुछ होने वाला है और उसने सारी तैयारी करके रखी थी। जितने भी ट्रैप लगे थे उन सब में गैंगस्टर फंस के मर चुके थे। यूलियन अब अकेले बचा हुआ था और उसके पास काफी गोली बारूद भी था। हच और उसके फादर और हैरी के पास सारी गोलियां खत्म हो चुकी थी। यूलियन उसके ऊपर फायर करता हुआ जा रहा था। तभी वो देखता है कि अगर वो कुछ नहीं करता है तो उसके फादर और हैरी की भी जान जा सकती है। उसने वहां पे रखा हुआ एक बुलेट प्रूफ ग्लास निकाला और उसके आगे वो बॉम्ब लगाया जो कि वो यूलियन के क्लब में लेके गया था। यूलियन फायर कर ही रहा था तभी वो बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है और बुलेट प्रूफ शील्ड की वजह से वो पीछे आके गिरता है लेकिन उसकी जान नहीं जाती और यूलियन यहाँ पे मर जाता है। दोस्तों बेहतरीन फाइटिंग देखनी है तो आपको ये मूवी जरूर देखनी पड़ेगी। सीन हमें 3 महीने बाद का दिखाया जाता है जिसमें वो एक नया घर खरीद रहा होता है और तभी उसको एक कॉल आता है। ये कॉल उसकी सर्विस एजेंसी से था यानी कि उसको काम के लिए बुलाया जा रहा होता है। दोस्तों आपको मूवी कैसी लगी मुझे बताइएगा और प्लीज अच्छी लगी तो शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर करिएगा। बाय बाय।